أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الأزلي الرحمن الرحيم ولقد أريناه آياتنا كلها ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله واجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة ويوم يحشر الناس الزحى توحید کی تعلیم جبکہ شرک کا دور دورہ ساور مملکت میں عام تھا اور اس کو عام کر دیا تھا دنیاوی حکمران دنیاوی اقتدار مملکت طاقت کے بل بوتے پر حق کی روشنی دور دور تک لوگوں میں نہیں اگر کوئی رکھنے والا تھا بنی اسرائیل قوم اس سے جڑی ہوئی تھی جو مسلمان تھے آبائی دین پیغمبر حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سلسلہ بسلسلہ نبیوں سے ہدایت اور تعلیم تھی اس کے اوپر قائم اور باقی رہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قیام کے دوران مصر میں نبوت کی روشنی کو پوری طرح پھیلا رکھا تھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے چلے جانے کے بعد سورہ مومن پارے 24 میں اس کی مزید وضاحت آئے گی لوگ یہاں تک خیال کر بیٹھے تھے اب کوئی بھی نبی وغیرہ آنے والا نہیں ہم اب اپنی منمانی کر سکتے ہیں یہ تفصیلات سورہ مومن میں ہیں اگلے پاروں میں آنے والی سادے سیدھے مختصر الفاظ میں شیطانی راج قائم تھا جو کم و بیش وہی شکل و صورت آج کی دنیا میں بھی ہے ذرا انسان توجہ دے حکومتوں کے اقتدار پر رہنے والے اور ایک مملکت سے دوسری مملکت کے سربراہان ملک اسی قسم کی کم و بیش تجاویز بھی ہیں الغرض توحید سے متعلق سارے دلائل پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریر کے ذریعے سے وضاحت کے ذریعے سے وعظ کے ذریعے سے نصیحت کے ذریعے سے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے ساری چیزیں بتا دی حق کا توحید کا پیام سکھلا دیا سمجھا دیا بتا دیا گیا اور پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے معجزات ظاہر کر کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی جانب سے بھی توحید کا سبق انسان کو انسانیت کے تقاضے روحانی پاک بازی حاصل کرنے کے کفر و شرک کی نحوست سے جو خباثت فکروں میں دل میں روح میں پیدا ہو چکی تھی اس کو دور کرنے کے سارے اسباب کی تکمیل کر دی گئی وہی مفہوم ہے آج کے سب سے پہلی آیت میں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ بخدا ہم نے بخدا
बतला दिया, दिखला दिया, समझा दिया अल्लाह ताला ने। बवास्ते पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम मोजिजात, बड़े बड़े मोजिजात हैं, नौ मोजिजात। सबसे पहली मुलाकात में पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा डंडे वाला मोजिजा बतलाया था। दूसरी मुलाकात में आसा डंडा जो अज़े की शक्ल बन जाया करता था वो मोजिजे के साथ यद बैजा का मोजिजा बतलाया। फिर इन सारे मोजिजात की तफसील पारे नौ में सूरह आराफ के हिस्से में मौजूद है। हवाई मुसीबत, ज़मीन की मुसीबत, मेंढकों की कसरत, हर चीज़ में, हर जानवर में, हर इंसान में, इंसान को काट खाने वाले, अमन व सुकून से बाकी न रखने वाले, जिसको कहते हैं जुओं की शक्ल में पैदा कर दिया गया था। फिर एक मरहले में हर चीज़ में यह कौम जुएं हाथ लगाती वो खाने की सलाहियत खो जाती, ख़त्म हो जाती, खून की शक्ल में तब्दील हो जाती। हर वक्त उसने वादा किया, ऐ मूसा जिस रब का आप दावा करते हैं, जिस रब को मानते हैं, आप दुआ करके मेरी कौम से इस मुसीबत को निजात दिलाइए, फिर मैं आपके मुतालिबे पर गौर करूँगा बल्कि कबूल करूँगा। और जो ही मुसीबत चले जाती कहता ये तो जाना ही था, फिर अपने हाल में आ जाता। इस वाक़े के अंदर एक पहलू आज के ज़माने के भी, हर ज़माने के इंसान के लिए भी, कोई मुसीबत में घिरता है इंसान अल्लाह की तरफ खूब रुजू होता है, दिल की गहराई से रोते गिड़गिड़ाते हुए, चाहे माशी मुसीबत हो, घरेली मुसीबत हो, नक्ज़ अमन की मुसीबत हो, या सख्त लाइलाज बीमारियों की शक्ल हो, अल्लाह ताला उसको कबूल करके जब उसको दूर कर देते हैं तो ऐसा कहता है, फिर ऐसा हो जाता है गोया यह मुसीबत वाला मरहला उससे गुजरा ही नहीं। कभी ये कहता है कि मेरी होशियारी से बीमारी से निकल गया मैं, इसमें मेरी हिकमत थी, मेरी तदबीर थी, मेरा हुस्न इंतखाब था, ऐसी चीज़ को इख्तियार किया, ऐसी चीज़ को ये किया, ये ज़रिया मुझे मुसीबत से हटाने का बन गया। अल्लाह ताला ज़रिए से छटाते हैं इंसानों के लिए, ज़रिए और सबब के साथ हर चीज़ को जोड़ कर रखे हैं, लेकिन करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की होती है। आखिरी शक्ल में जो नौबत आई, अल्लाह ताला जिक्र करते हैं, अरेनाओ हमने दिखलाया, ख़द आ जाता है तो ख़द अरेनाओ हमने दिखलाया यकीनन, परफेक्ट सेंस हैज़ बीन कमफूम के लिए कद लगाते हैं अरबी में, कदा रहना हो यकीन हमने दिखला दिया, फिर उसे नाम लगाया तो और ताकीद, इतनी ताकीद गोया कसम खाकर, यानी ज़रा भी डाउट नहीं, शक नहीं, शुबा नहीं। फिर ये ख्याल नहीं करना कि दूसरी चीज़ें जब ऐसे जिक्र नहीं किए तो कहाँ वहाँ डाउट और शक है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए आप तर्जुमा ये कर सकते हैं, बखुदा हमने, अल्लाह ताला अपनी कसम आप खाते हैं कई जगह है, हमने सारे चीज़ों की तकमील की, कहीं अक्सर समझे कुल्लहा, हर वो नशानी, हर वो ज़रूरत की चीज़ जो उसके दिलो दिमाग को साफ करने के लिए, लोगों के दिलो दिमाग को वाश करने के लिए, शिर्क और शिर्क से जुड़े हुए आमाल और फिक्र की खबासत को हटाने के लिए,
اپنے رب سے ملانے جوڑنے، اپنے رب کی حقیقت شان اور مرتبے کو سمجھانے کے لیے۔ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، اس فانی والی زندگی میں رہ کر بقا والی زندگی راحت کے ساتھ پانے کے ذرائع اسباب کو دکھلانے کے لیے جو کچھ تھا ہم نے سب کو ایک ایک چیز بتلا دی۔ یہ وضاحت کی ضرورت ہے کہ ہم نے تمام نشانیاں بتائیں، یہ نہیں سمجھنا پیغمبر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء ہو سکتے ہیں۔ ہر نبی کو الگ الگ معجزے دیے، جو نبی برحق ہونے کی دلیل پھر اللہ کے کلام کو ماننے کا یقین پیدا کروانے کے لیے، یعنی سابقہ پیغمبروں کے لیے بھی جو معجزے دیے تھے وہ بھی بتائے، یہ بھی بتائے، ایسا سوچنا نہیں۔ اس قوم کے لیے جو کچھ ضرورت تھی ہر چیز کا انتظام فرما دیا، تو اس نے کیا کیا؟ کذبا کو پا لگا کر کذبا، تو اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ ایک نے بیسیوں مرتبہ اس کے دل کی گہرائیوں میں بات پہنچی، اس کا دل بھی یقین ہے، صحیح ہے، سچ ہے، یہ نبی برحق ہیں، بار بار اعتراف بھی کیا، اقرار نہیں کیا، تسلیم کیا، قبول نہیں کیا۔ قبول نہ کرنے کی وجہ دنیاوی اقتدار، دنیا کی شان و شوکت، پوری مملکت میں درجہ رکھنے والا سب سے بڑی شخصیت وہی تھی، اس کے بعد وزراء، رعایا سب بعد میں۔ ابھی قبول کرنے پر اللہ تعالیٰ کو مان کر اللہ کے بعد اللہ کے پیغمبر کو ماننا، ان کے بتاوے طریقے کے اوپر چلنا، ان کے وضاحت کردہ طریقے سلیقے کو اختیار کرنا، اور ایمان کا کمال ہر زمانے میں جب ضرورت پڑتی ہے ٹکرا جاتی ہے اس چیز کو ماننے میں۔ اگر ماں ٹکرا جاتے ہیں، باپ ٹکرا جاتے ہیں، اولاد ٹکرا جاتی ہے، یا کبھی اپنی جان ہی ٹکرا جاتی ہے، ٹکرانے دینا، قربانی دینا، تو جینا اس کے لیے، مرنا اس کے لیے، کھانا اس کے لیے، پینا اس کے لیے، ملاقات کرنا اس کے لیے، اسی فکر کے ساتھ چلنا۔ نفسانی وسوسہ اس کے جو خاص مشیر ہیں انہوں نے وضاحت بھی کر کے بتا دی۔ کیا لگا آپ اس میں سوچنا؟ اب تک آپ رب کا درجہ رکھتے تھے، اب مربوب کا درجے میں ہو جائیں گے آپ؟ فقط ذبا، اقرار نہیں کیا، انکار کر دیا۔ وہ ابا، جیسا پہلے پارے میں ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ غلط ہے اقرار کر، جبکہ دل صحیح ہے سمجھا رہا تھا، یہ کہہ کر میں اس کو نہیں مانتا، قبول نہیں کرتا، انکار کر دیا۔ انکار کر کے وضاحت کیا، بات کھلی صاف ہو رہی ہے، اے موسیٰ، اتنے طویل زمانے سے ہمارے پاس سے فرار ہو کر جو نکل گئے تھے، اتنی بڑی مدت گزار کر مدین سے تم بڑے ماہر جادوگر بن کر آئے ہو، وہی مفہوم ہے، قال اجیتنا، سارے انتظامات کر کر تو ہمارے پاس آیا ہے، اپنے آپ کو فوق جتا کر پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں مخاطب ہو کر ہر چیز کا انکار ان الفاظ میں کیا، اس کا مقصد ایک ہی دکھ رہا ہے، اور اپنی پوری پبلک کو پروپیگنڈا بھی کیا، دل و دماغ میں بٹھایا، جیسا آج کی حکومت بٹھاتے، نعرے انداز بھرے کچھ بھی ہوتے ہو، تمہارے لیے اچھے دن آئیں گے، تمہارے لیے پھلائیں گے، کچھ بھی بولو آپ، کموں پہ سب یہی شکلیں۔
ये पहली नई नुजरत वाली बात नहीं है, कदीम घसी पिटी बातें हैं, हंसी पिटी हथियार हैं, हीले बहाने हैं शैतानी तालीम और तरबियत के बाद। अदल व इंसाफ की एक बार फिक्र कर ले हाकिम, भले सारी ममलकत की रियाय मुखालिफ हो जाए, हाकिम आला अल्लाह ताला की जात अब मदद कैसी फरमाती है, तजुर्बा करके देख ले। ऐसे हजारों सजदे में गुजरे हैं, जितनी अल्लाह की किताब है उसको बताया वजात किया, उन्हें ये करता ये करता ये करता, कम व बेश हर आदमी को शिकायत। अगर उन्हें इसी को पलट दे, मैं क्या करता हूँ, अब वो शिकायतें इससे दूर हो जाएंगी। अपनी नज़र सामने वाले पर दूर दराज पर डालने की आदत रखा है इंसान, अल्लाह ने हुक्म दिया फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने अंदर नहीं देखते, अपनी फिक्र का जायज़ा लो, अपनी कोशिश का जायज़ा लो, अपने हलाल हराम का जायज़ा लो, आप अपने रब की जिम्मेदारियों को कहाँ तक किस हद तक निभाने जा रहे हो, क्या कोशिश कर रहे हो, फिर इस कोशिश के अंदर गलत जाम और फिक्र के अंदर तो कहीं मुब्तला नहीं हो गए। अक्सर इंसान होता है मैं सब दुरुस्त हो गया, जबकि खराबियाँ होती हैं। इसलिए अल्लाह के लिए करना तो उसे फिरौन ने कह दिया तुम आए हो सिर्फ इसलिए कि हमको मुल्क बदर करने के लिए, जो अब तक हमारा मुल्क था अब हमारा नहीं रहेगा, तुम हमारे तहत में थे अब हमको तहत में करना चाहते हो, हमारी इस कौम से जुड़े हुए अफराद के साथ शान और शौकत बड़े बड़े इज्जत वाले मनसब ये थे, अब वो सब तुम अपनी कौम में मुंतकिल करना चाहते हो। दुनिया के हर के मध्य ऐसी सोच रही, लिहाजा इनको आने में कर दो ऐसा हो जाएगा, इनको कमाने में रख दो ऐसा हो जाएगा, इनको टिकने मत दो ऐसा हो जाएगा। कुरान जगह जगह बताता है ये पहलू नहीं है, अपनी मईशत को मजबूत करने का ये पहलू नहीं है, मईशत को पैदा करने वाला जोड़ने वाला मुस्तकम करने वाला उसमें खैर बरकत अता करने वाली ज़ात वही है जिसने तुमको पैदा किया है, और ये सारी चीज़ों के असबाब का एहतमाम करवाते हैं, उस यकीन की कमी में नतीजे चलते रहते हैं। बिन अर्जिनात हमारी ममलकत को एक एक इंच के हिस्से पर अपना कब्जा जमाना चाहते हो, काफ़ी बयान पढ़ो हर अखबार में जिसमें यह इनकी हरकत हमारे मुल्क को इस कौमियत की हकीकत से हटाकर दूसरी कौमियत में तब्दील करना चाहती है, या फिक्रों के लिहाज से ममलकत को तकसीम कर देना चाहते हैं, या ममलकत को कई हिस्सों में बांट देना चाहते हैं, वगैरह वगैरह जैसी बेढंगे ऐलानात हैं, बेढंगा ख्याल है ये फिक्र, इबलीस शैतानी हरकत गलत फिक्र से पैदा होने लगती है। इस दुनिया को बनाने वाला, दुनिया की हर चीज़ को इंसान के हवाले करने वाला, वो जो चीज़ जिसको अता करना चाहता है, सारी दुनिया रोकना चाहे तो रोक नहीं सकते, वो बिगाड़ना चाहता है, सारी दुनिया इसलाह करना चाहे हो नहीं सकती, फिर होती कैसे, वही करता है। करने के उसूल ढंग तरीक़े बताता है, ईमान और यकीन चाहिए। ये कह दिया कि तुम आए हो हमको हमारे मुल्क से बेदखल करने के लिए, इसकी हयात बदलने के लिए, इस ज़मीन से, इस मुल्क से, इस मुल्क के हर हिस्से से,
यहाँ की जागीर से, जायदाद से, ओहदों से, शान से, शौकत से महरूम कर दे के ये सब अपने पास मुंतकिल करना चाहते हो, उसके लिए बड़ी तैयारी करके आए। वो तैयारी है कि जादूगरी अख्तियार करके आए। भी सीरी का या मूसा, इतने दिन बाहर रह के ये सीख कर तरबियत पाकर आए। अरे ये तो कोई भी चीज नहीं, जो कहा उसने, ये लकड़ियों को, रस्सियों को सांप बनाना करना वगैरह सब जादूगर करते हैं। जादूगरी क्या होती है? जिसको मुशाहिदा कराया जा रहा है उसकी नजर में फर्क पैदा करते हैं। उसको कहते हैं सर पे नजर, नजर का हेर पे हकीकत। मजमे में आपके साथ आपसे सादा कागज मांगा कर सही असली हकीकी नोट की शक्ल बनाकर भी बताता है। तमाशा बताने के बाद नोट नहीं, नोट के हिस्से 10 पैसे मुझे दीजिए, खैरात 20 हिस्से दीजिए, 4 आने दीजिए, 8 आने दीजिए, भीख मांगता है। जब ये बनाने की सलाहियत है तो फैक्ट्री होगी आपके पास, आप पैसे के बलबोते पर सबसे बड़े मालदार होना चाहिए आप, बल्कि तमाशा करके सबसे ज्यादा फकीर होने का इजहार कर रहे हैं। लेकिन एक हकीकत है जादूगर जाहिरी तौर पर नुकसान पहुंचाने की, बाद मरहले में इंसान को मौत की घाट भी उतार देती। शैतानी खेल है, उसके सीखने हासिल करने के लिए बदअखीदगी, गंदगी जैसी चीजें इख्तियार करना पड़ता है। तो लिहाजा ये ऐलान कर दिया पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के सामने, ऐ मूसा हम भी, यानी मैं भी, हमारी ममलकत भी, हमारी ताकत भी, हमारे सोर्स जितने जरा ये भी, खसमी अंदाज में कह दिया कि ये ज़रूर हर चीज़ का तोड़ हम कर सकते हैं भी सेहर जादू, इस कस्म के जादू के ज़रिए से, जिसको मौजज़े कह रहे थे उसने उसको जादूगरी से ताबीर किया, ताबीर के कहने लगा उसका तोड़ हमारे पास, हम चैलेंज कबूल करते, मिसल ही झूम के तो करते हैं, तुम रस्सियों को क्या करते हैं, डंडों को क्या करते हैं, और किया भी, क्योंकि नजर का धोखा रहता है, खत्म भी हो गया। उसके तोड़ में मौजज़ा का इजहार जब किए, हकीकत में उनके पूरे डंडों को, पूरे रस्सियों को उस सांप ने निगल गया, तो हकीकत में निगल गया, फिर वजूद ही नहीं, ना आज तक वजूद उसका। फिर बाद में डंडे का डंडा बना रहा, ये कहकर चैलेंज कह दिया, अने उसके ऊपर भी अखली एतबार से कुदरत ने जो जमा के रखा, फौरन ताकत के इस्तेमाल का हुक्म जारी नहीं करा, चलो ये खेल खेलेंगे, खेलने लग गया, एक खेल और ड्रामा समझा, ड्रामा समझा। ये ऐलान कर दिया, ऐ मूसा ऐलान कर दो, तुम अपनी तरफ से तारीख दे दो, दिन तारीख बता दो, सब कुछ जमा करने का दिन, पूरे मुल्क के लोगों को, सब ये तमाशा देखेंगे, उसकी नज़र में तमाशा है, हमारे तुम्हारे दरमियान में एक टाइम फिक्स कर दो, ऐसा फिक्स करना हुकूमत, हुकूमत का कोई शख्स भी उस वक्त का इनकार नहीं, और आप भी इनकार नहीं कर, नहीं 2 दिन के बाद नहीं, ये टाइम पे ऐसा नहीं, आज मुकर्रर कर दो, नहनु वला अंता, आप और हम इनकार नहीं कर, पख्ता वादा ऐलान, वो
उस दिन उस वक़्त पर सबको जमा करेंगे। वो जगह सबके लिए मुनासिब होना, किसी के लिए तकलीफ का बायस भी नहीं बनना। अल्लाह ने बतला दिया पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को, आपने कहा ज़्यादा इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है, अभी चंद दिनों के बाद ईद का दिन आना ना, वो ईद नौ रोज़ ये पारसियाँ वगैरह जो करते हैं खैर मुश आज भी चलती है, नौ रोज़ा तकारीब वही उनवान है ये भी गैर मुस्लिम कौम में। जो गुजर चुकी है दो तीन महीने पहले, इतने दिन एहतमाम खुशी मनाते रहते हैं, उनका तरीक़ा था वो एक ईद इसके लिए एक बड़ा मैदान लाजिम सब जमा होते थे, ऐलान करने के बावजूद भी कोई अहमियत देता कोई नहीं देता, किसी को काम काज रहता, ईद के दिन सारे काम का छोड़ भी देता आदमी, हुकूमत के लोग भी अगर छुट्टी मंजूर नहीं करते भी है तो इन्हें अपनी तरफ से छुट्टी मनाता, ज़रूरत पड़ी तनख्वाह कटाने की तनख्वाह कटाता। लेकिन ये मजहबी चीज़ की रसूम को ज़रूर अदा करता, इस उनवान से अपने आप को वक्फ कर देता। दूसरे दिन रखने पर किसी के लिए कोई बीमारी का बहाना होता, किसी के लिए होता, फिर फुला होता, और इस मामले में हुकूमत का हर फर्द भी उसमें शामिल होता, उनका तरीक़ा था उस ईद का। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला मौईदुकुम, अब जब तुम टाइम मांग रहे हो मुकर्रर करने का, यौमुज़्ज़ीना, ईद को यौमुज़्ज़ीनत भी बोलते, बदन को साफ करता है, सारे कामकाज से अपने दमा को झटक देता है, हर चीज़ को घर को साफ रखता है, कपड़ों को साफ करता है, फलां अपनी हैसियत से पूरा स्मार्ट बनने की पूरी जद्दोजहद करता है, मजीद अपने आप को यह करने के लिए खुशबू लगाता है, फलां करता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या वो अभी चंद दिन में जो आ रहा है ईद का दिन और सब जमा हो जाए तो हक जाहिर हो जाएगा। अब उसका दमावी काम क्या किया, उसने यस कह दिया। वो जीनत का दिन यानी ईद का दिन, जितने ईद के दिन हैं हर मजहब में ईद है, लोग मुकर्रर करते हैं, हर किस्म की ज़रूरत मसरूफियत से अपने आप को झटक कर पूरी तरह एक राहत और सुकून के तौर पर, इस्लाम के अंदर जितने ईदें हैं इसलिए कि मुसलमान की ज़िंदगी की हर हरकत इबादत का दर्जा है, अपने रब के साथ जुड़कर ज़िंदगी गुजारने का है, फ़र्क इतना ही है। हज़रत मूसा ने कहा कि यौमुज़्ज़ीना ईद का दिन और तमाम के तमाम लोग जमा होंगे चाश्त के वक़्त पर, सूरज तुलो के ज़र्रा सा साफ़ हो जाता है, जैसे हमारे पास ईदों के नमाज़ों का जो वक़्त है सूरज ज़रा यानी इशराक़ का वक़्त ख़त्म होने के बाद से 12 बजे से पहले, उसको जुहा कहते हैं, ये चाश्त का वक़्त है। अब तो खुद ब खुद जमा होना भी है, बग़ैर ऐलान के जमा हो जाएंगे, वैसे ऐलान भी कर दिया गया, बनी इसराइल भी जमा, उनके कौमी खिप्ती कौम भी जमा, बीमार भी जमा, तंदुरुस्त भी जमा, एक इलाके से दूसरे इलाके पर गया हुआ इंसान भी, सारे ख़ानदान से मिलने मेल मिलाप के लिए फिर सफ़र करके उस मकाम पर ईद मनाने के उनवान से हाजिर होता है, सभी जमा। ये कहकर फिरौन ठीक है उस दिन जो होगा सो होगा बतल्ला पलट कर चले गया। उसके बाद तैयारियां शुरू कर दिया, फिर जमा कई दऊ अपनी चाल तदबीरों को इकट्ठा करने लगा, हुकूमत एतबार से न सिर्फ पूरे मुल्क मिस्र के शोबादाबाजी करने वाले यानी जादूगरी फलाफना करने वाले हर एक को मदू किया, उसके अताफ भी, उससे बाहर ममलकतों के भी
जो मध्यान वगैरह वगैरह पढ़ते थे अड़ोस पड़ोस में, हर एक से ऐलान कर देकर इनाम पाओ, अपनी महारत का मुजाहरा कर दो। और एक शख्स ऐसा जादूगर है, उसकी नजर में जादूगरी का नाम दिया था, मौजूदात को फुला फुला को, उससे टक्कर लेना है, मुझे कामयाब होना है, तुम अपना फन का कमाल बता दो। मुंह मांगे मन चाहे उजरत ले लो। फिर भी उन्होंने मैदान में अपनी उजरत का यकीन हासिल करने के लिए दरियाफ्त किया तो कहने लगा, ना सिर्फ नवाजूंगा, तुम्हारी तलब से ज़्यादा दूंगा, बल्कि शाही दरबार का खुर्ब करीबी लोगों में अफराद में तुम्हारा मकाम दर्जा बुलंद कर दूंगा। अब उसके बाद तफसीर, ये सुनते ही ये सब जमा हुए, सुनते ही हजरत मूसा ने ये सब मुजाहरा होने से पहले कह दिया, ऐ लोगों, बड़ी हलाकत को कबूल किया है तुमने, अच्छा होने वाला नहीं है। देखो अभी भी वक्त है तुम्हारे लिए, जो दावे कर रहे हो अल्लाह के खिलाफ में दावा हो रहा है कि अल्लाह से टक्कर लेना चाहते हो। मेरी तरफ से कोई भी एक चीज़ भी नहीं है, मैं सिर्फ पाबंद हूँ अल्लाह ताला का, अल्लाह के पयाम को तुम तक पहुँचाने का। नफ़ा नुकसान अल्लाह से है मुझे, तुमसे कोई नफ़ा चाहता हूँ ना नुकसान, ना किसी का बुरा। तुम अल्लाह के मखलूक हो, अल्लाह के बंदे हो, हर बंदे से प्यार मोहब्बत का सबक सिखाना है हमको, नफ़रतों को दूर करवाना है, मेल मिलाप का माहौल पैदा करना है। इस्लाम, दीन इस्लाम, उसकी हकीकत यही है। तो सिर्फ इस ज़माने के इस्लाम को समझाने के लिए ये गुज़रे इन वाक़ियात के ज़रिए से भी नमूने के तौर पर भी उन्होंने भी ऐसी सरकशी की कि दुनिया चाहिए दिया हमने, इख्तदार चाह दिया हमने, लेकिन उसको जुल्म ज़्यादती का ज़रिया बनाए, फिर मौका दिए, फिर मौका दिए, फिर मौका दिए, बरसों चला। समझ गए बस यही तरीका दुनिया में टिकने का, जीने का, नाम बनाने का, नाम कमाने का है, समझ बैठे। जब कुदरत को मंजूर हुआ, जब गिरफ्त और पकड़ का वक्त आया, सारे तदबीरें धरे के धरे रह गईं, कोई काम नहीं आ सकी। जिसके सामने बेहद शुमार पैसे को सर्फ किया, सर झुका दिया, नाचे गाए कूदे, उसको खुश करने के लिए अल्लाह की मखलूक से नफ़रत पैदा किया, ख़त्ल व ग़ारत गिरी किए, तबाह ताराज किया। लेकिन अब मुसीबत आई, जब अल्लाह की गिरफ्त आई, ये कोई भी उनका माबूद, कोई बुत, कोई ये ताकत, कोई एक भी बचाने के लिए नहीं आ सका। और जो बचने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ताकत उनके पास नहीं, हुकूमत उनके पास नहीं, तैयारी उनके पास नहीं, लेकिन ये कामयाब कामरान हो जाते हैं। ये नमूने वाक़ियात के अंदर ये ज़रूर से इस यकीन वाली कैफियत को ए मुसलमानों बराबर बाकी रखो। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। इस वाक़े की वो बड़ी तफसील है, अभी तकरीबन चार था पाँच रुकों तक यही तफसील चलने वाली है। एक एक कड़ी की वजाहत है। तुम सलाम कर दिया, तुम बड़ा बुरा इख्तियार कर रहे हो, और जो तदबीर चल रहे हो, जिसको कबूल किया आगे बढ़ रहे हो, नतीजा एक ही होने वाला है, अजाब को अपनी तरफ खींच कर ला रहे हो, अल्लाह के गज़ब को खींच कर ला रहे हो, आपकी और आपने आने वाली नस्लों की हलाकत और बर्बादी को दावत दे रहे हो। खद खाबा नाकाम और नामुराद हो गया, जो भी तोहमत लगाया उसको नतीजा भुगतना पड़ेगा, यहाँ तक ही। लेकिन अब वो अटल हो गए, अब कैसा करना, उनकी सोच, उन्होंने क्या किया, अगली आयत से। सुभान अल्लाह व हमदुल्लाह।